हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमलता सोनी आज आपके लिए पाइथन फंडामेंटल्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूं, जिसमें आप बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ेंगे, जैसे पाइथन क्या होता है। हमारा पहला ही टॉपिक है व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड इट इज अ फंक्शनल लैंग्वेज। एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है पाइथन, जो कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है प्रोग्रामिंग में। प्रोसीजरल लैंग्वेज है, हम प्रोसीजर्स या फंक्शंस में बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं जिनका प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं और प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है। इसका उपयोग, पाइथन लैंग्वेज का उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जा सकता है। इसके अलावा हम वेबसाइट डिजाइनिंग में इसका यूज करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है, जो कि फ्रंट एंड में यूज होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की जो एप्लीकेशंस है, एजुकेशनल एप्लीकेशंस और साइंटिफिक एप्लीकेशंस, उनको भी डेवलप करने में पाइथन का बहुत ही अच्छा योगदान है। आइए अब देखते हैं पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या गुण हैं जो कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक अच्छी लैंग्वेज बनाते हैं। तो सबसे पहला इसका फीचर है इजी लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज को कोई भी स्टूडेंट बहुत ही जल्दी और कम समय में सीख सकता है, क्योंकि पहले की लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में इस लैंग्वेज में ब्रेसेस को हटा दिया गया है। पैरेंथेसिस जो इसमें होते हैं उनको हटा दिया गया है। इनके हटने की वजह से जो प्रोग्रामिंग है इजी हो गई है, शॉर्ट हो गई है और सीखने में भी, इस प्रोग्रामिंग को सीखने में भी बच्चों को आनंद आता है। आइए अब देखते हैं पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या गुण हैं जो कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक अच्छी लैंग्वेज बनाते हैं। तो सबसे पहला इसका फीचर है इजी लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज को कोई भी स्टूडेंट बहुत ही जल्दी और कम समय में सीख सकता है, क्योंकि पहले की लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में इस लैंग्वेज में ब्रेसेस को हटा दिया गया है। पैरेंथेसिस जो इसमें होते हैं उनको हटा दिया गया है। इनके हटने की वजह से जो प्रोग्रामिंग है इजी हो गई है, शॉर्ट हो गई है और सीखने में भी, इस प्रोग्रामिंग को सीखने में भी बच्चों को आनंद आता है। दूसरा फीचर है टाइप एंड रन। इन पाइथन कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड इजीली। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, रन करना आसान होता है पाइथन में। अगला फीचर है इसका सिंटैक्स। पाइथन का सिंटैक्स प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स या जो इंस्ट्रक्शंस है लिखने का तरीका, वो बहुत ही समझने योग्य है, आसानी से समझने योग्य है। बच्चे उसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इसके सिंटैक्स को लिखना और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करना इजी होता है। आइए अब हम देखते हैं पाइथन लैंग्वेज के क्या यूज है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है। पाइथन लैंग्वेज का यूज सबसे पहले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है। फ्रंट एंड्स बनाने के लिए यह एक इजी लैंग्वेज है। जीयूआई भी जिसको आप कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यह लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट इसका यूज है स्क्रिप्टिंग वेब पेजेस। स्क्रिप्टिंग वेब पेज मीन्स डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए, वेब पेज डिजाइनिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। डेटाबेस प्रोग्रामिंग, जैसा कि आप डेटाबेस शब्द से परिचित हैं, डेटा स्टोर करना, क्वेरी, डेटा ऐड करना, डिलीट करना, ये सभी जो प्रोसेस हैं, जो कि जैसा कि आप जानते हैं MySQL में DDL कमांड होते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, तो इसी तरीके से जो डेटाबेस
प्रोग्रामिंग है वो भी हम पाइथन में कर सकते हैं। डेटाबेस प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है पाइथन। नेक्स्ट है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का अर्थ है ऑब्जेक्ट्स के क्लोन बनाना या उनकी कॉपी। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उनकी कॉपी भी बना सकते हैं या उनका क्लोन बना सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं, ऑब्जेक्ट का मतलब और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ डेटा वेरिएबल से होता है। जो भी हम डेटा वेरिएबल्स यूज करते हैं उनको ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है, या फंक्शंस जो हम यूज करते हैं वही ऑब्जेक्ट होते हैं। इसीलिए इस लैंग्वेज का नाम भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इन ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से, ऑब्जेक्ट के बेस पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा गया है। तो प्रोटोटाइपिंग मैं बता रही थी यहाँ पर, ऑब्जेक्ट्स के क्लोन बनाना या उनकी कॉपी करना। नेक्स्ट है गेमिंग सपोर्ट करता है। गेमिंग सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं आप, कोई भी गेम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप। पाइथन का यूज में होता है, इसीलिए बच्चों को पसंद भी आती है ये लैंग्वेज। कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग अगेन दैट इज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बेस पर यह प्रोग्रामिंग की जाती है, या वो ऑब्जेक्ट हमें हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, उसी तरह इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कंपोनेंट कहा गया। कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है पाइथन। चलिए आगे चलते हैं पाइथन फंडामेंटल्स में। हम इनके बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको देखते हैं वो क्या है। तो इनकी फंडामेंटल यूनिट्स है, पहले तो सबसे पहले टोकन। टोकन एक बहुत ही प्रचलित पुराना नाम है, जो भी हम प्रोग्राम में यूज करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं उनको टोकन्स कहा जाता है। चाहे वो कीवर्ड्स हो, आइडेंटिफायर्स हो, ऑपरेटर हो, या पंक्चुएशन मार्क्स हो, सभी टोकन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो फिक्स होते हैं, रिजर्व होते हैं, जिनका मीनिंग चेंज नहीं किया जा सकता, उनका स्पेशल मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उनको कीवर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स रिजर्व नहीं होते, स्पेशल मीनिंग नहीं होती। यूजर किसी भी वेरिएबल अगेन मैं कहना चाहूंगी ऑब्जेक्ट, किसी भी वेरिएबल का जो भी नाम देता है उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। जैसे हमने अपनी वेरिएबल का नाम दे दिया ए, दूसरी वेरिएबल का नाम दे दिया बी, तो ये कहलाता है आइडेंटिफायर। इनके नाम देना, इनको कुछ भी हम प्रोग्रामिंग में यूज करने के लिए जो हम वेरिएबल्स के नाम देते हैं उनको आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। आगे चलते हैं आइडेंटिफायर के, तो हमने पढ़ लिया, अभी देखते हैं हमारे पास कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो आप प्रोग्रामिंग में जनरली कीवर्ड्स यूज करते हैं, आप व्हाइल वर्ड यूज करते हैं, व्हाइल वर्ड यूज करते हैं, ये भी एक कीवर्ड है। आप फॉल्स यूज करते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर में यूज करते हैं, ट्रू और लॉजिकल ऑपरेटर, ब्रेक यूज करते हैं आप, आपने 11th क्लास में किया होगा, इफ आपने 11th क्लास में किया है, कंटिन्यू आपने 11th क्लास में यूज किया है, एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ आपने यूज किया है कीवर्ड, एलिफ स्टेटमेंट है जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है आपने यूज किया हुआ है, फॉर लूपिंग है, इसी तरह से बहुत सारे आपने कीवर्ड्स 11th क्लास में यूज किए हैं जिनका मीनिंग फिक्स है। अगर हम इनको लिखने में कहीं भी गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में एरर आती है। चलिए आगे देखते हैं पाइथन एस्केप सीक्वेंस। पाइथन एस्केप सीक्वेंस जो होता है वह कुछ स्पेशल सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे सिंगल कोट, बैकस्लैश है, न्यू लाइन ऑपरेटर है नई लाइन के लिए, रिटर्न ऑपरेटर है, टैब के लिए यूज करते हैं स्लैश टी, बैक स्पेस के लिए यूज करते हैं स्लैश बी, फॉर्म फीड, ऑक्टल वैल्यू और हेक्स वैल्यू के लिए, इन सभी का यूज हम आगे की प्रोग्रामिंग में करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कीवर्ड के बाद दूसरा
टोकन आता है स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शन विच कुड बी इंटरप्रिटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर. ये स्टेटमेंट का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो सभी स्टेटमेंट्स कहलाते हैं. अब ये स्टेटमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं. चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट. अगर आपने दो वैल्यू को कंबाइन करते हुए उसकी वैल्यू किसी सिंगल वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर की है, दो वैल्यू को किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कहलाता है. जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे ये दिया हुआ है, नम थ्री एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम नम वन और नम टू को प्लस करने के बाद उसकी वैल्यू नम थ्री में स्टोर करा रहे हैं. एक तरह से ये एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है. और भी आप इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे फर्दर. आगे बढ़ते हैं दूसरा स्टेटमेंट. चूंकि देखो बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस वाले स्टेटमेंट में, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में आपने वैल्यू दी है, वेरिएबल दी है और उसको स्टोर भी किया, इट मीन्स इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा. तो हम प्रिंट नम थ्री करेंगे तो हमें इसका आउटपुट मिलेगा. जो भी नम वन और नम टू की वैल्यू होगी वह जुड़कर नम थ्री में स्टोर हो जाएगी और हम उसका आउटपुट भी देख पाएंगे. इसके बाद एक अगला स्टेटमेंट है जिसको पास स्टेटमेंट कहते हैं. पास स्टेटमेंट जो होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमें तभी यूज करना है जब हमें जरूरी है कोई भी स्टेटमेंट लिखना, बट हम कोई वैल्यू उसमें पास नहीं करना चाहते, लेकिन स्टेटमेंट तो लिखना है. इट डज नॉट परफॉर्म एनी टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड. जब ये एग्जीक्यूट हो, कोई भी टास्क परफॉर्म ना करे, उसके लिए हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं. एक प्लेस होल्डर की तरह इसको यूज किया जाता है. जहां भी हमें ये आवश्यक हो कि स्टेटमेंट लिखना ही है तो हम पास का यूज करते हुए उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और वहां पर वो स्टेटमेंट कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आपके सामने, फॉर एक्स इन 0, 1, 2, बट हमने पास लिख दिया है तो ये एक ब्लैंक कलर की स्क्रीन हमें दिखाएगा जहां पे कोई वैल्यू नहीं होगी. अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, सॉरी अगले टोकन की तरफ चलते हैं जो कि है कमेंट्स. अ प्रोग्रामर रीडेबल एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टेटमेंट विच इज विजिबल टू हिम बट नॉट टू द कंपाइलर. इसका मीनिंग है हम प्रोग्रामिंग में जब किसी भी स्टेटमेंट को यूजर को समझाना चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट एक्चुअली क्या कर रहा है हमारे लिए, जैसे कि हम ये अगर आप इसी एग्जांपल को देखिए, सपोज फॉर एक्स इन 0, 1, 2, यहाँ पर अगर आप बताना चाहते हैं कि फॉर इज यूज फॉर लूप, फॉर एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल फॉर लूपिंग एंड हियर पास स्टेटमेंट इज यूज टू व्यू नथिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट. तो इस तरह से ये कुछ टेक्स्ट आप जो यूजर को बताना चाहते हैं लिखकर स्टेटमेंट के बारे में, जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसके बारे में अगर यूजर को कुछ बताना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि वो प्रोग्रामिंग पे इफेक्ट ना करे, वो केवल हमारे और यूजर के समझने के लिए स्टेटमेंट हो, टेक्स्ट हो, ऐसी स्थिति में हम हैश साइन का उपयोग या कोटेशन मार्क का उपयोग करते हैं. उसके अंदर ही हम टेक्स्ट को इनक्लोज कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कमेंट्स में भी सिंगल लाइन इज प्रोसीडेड बाय प्रोसीडेड अ हैश एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स आर प्रोसीडेड इन कोटेशन मार्क्स. तो हैश साइन का यूज सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज कर सकते हैं आप, और कोटेशन मार्क्स का यूज आप मल्टीपल लाइन के स्टेटमेंट लिखने के लिए कर सकते. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद टोकन्स के बाद हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास. तो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स का उपयोग प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका आउटपुट निकालने के लिए किया जाता है.
जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो इसका काम जो होगा वह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूलर मॉड्यूल रिमाइंडर वगैरह निकालने के लिए, पावर के लिए, इन सभी कार्यों के लिए होता है। एडिशन प्लस का यूज करेंगे हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को जोड़ने के लिए, सब्ट्रैक्शन उनकी वैल्यूज को माइनस करने के लिए, इसी तरह सभी का यूज होता है। स्टार साइन मल्टीप्लाई के लिए, बट डबल स्टार पावर के लिए, आपने 11th में ऑपरेटर पढ़े भी हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर जो होता है वह दो ऑपरेटर्स, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को जोड़ने के लिए तो करता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू प्लस नहीं होती है, रादर उसकी जो स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू है वो प्लस होती है। इसको कॉन्केट ऑपरेटर भी कहा जाता है, प्लस को कॉन्केट ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ए में हेलो लिखा हुआ है, बी में वर्ड लिखा हुआ है, ए और बी को जब हम जोड़ते हैं और सी को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आउटपुट जो आता है हेलो वर्ड जुड़ के आता है। हेलो यहाँ पर स्ट्रिंग है, वर्ड एक स्ट्रिंग है और दोनों आपस में जुड़ जाती है। कॉन्केट ऑपरेटर यहाँ पर प्लस जो है कॉन्केट ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा। अगला हमारा ऑपरेटर है स्टार ऑपरेटर। स्टार ऑपरेटर भी एक स्ट्रिंग ऑपरेटर है, बट इसको रेप्लिकेशन ऑपरेटर बोला जाता है। रेप्लिकेशन ऑपरेटर का मीनिंग है स्टार के बाद हम जो भी नंबर लिखेंगे उतने बार वो टेक्स्ट रिपीट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट पाइथन इंटू टू, मतलब पाइथन दो बार लिखा जाएगा, टू इंटू पाइथन यहाँ पर दो बार पाइथन लिखा जाएगा। इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है वह दो ऑब्जेक्ट्स को, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अगर दोनों वेरिएबल्स सेम होती हैं, उनमें समानता होती है तो आउटपुट ट्रू आता है, और अगर उनमें असमानता होती है तो आउटपुट फॉल्स आता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए नम वन में 5 स्टोर है, नम टू में 6 स्टोर है। नम वन और नम टू को हम कंपेयर करेंगे तो आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि नम वन की वैल्यू 5 है, नम टू की 6 है। इसी तरीके से अगर हम दोनों वैल्यू को सेम कर देते हैं और कंपेयर करते हैं तो आउटपुट ट्रू आता है। चलिए अब आगे देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करना इसका काम होता है। जैसे ए इक्वल टू 5 आपने लिखा तो 5 सिंपली असाइन हो जाएगा ए को, या हम ये कह सकते हैं कि 5 जो वैल्यू है वो ए को असाइन हो जाएगी या ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। राइट साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाती है। इसका काम ही होता है राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करना। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर है जिसका उपयोग दो वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है या उनमें क्या समानता है या नहीं है, वो छोटे हैं या बड़े हैं, या किसी प्रकार जो भी उनके बीच में जो रिलेशनशिप बताया गया है अगर वो ट्रू है, सही है, तो उसका आउटपुट ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। जैसे चलिए आइए अब हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो दो स्टेटमेंट्स अगर हमने यूज किए हैं तो उन दोनों स्टेटमेंट्स में का रिजल्ट अगर ट्रू आता है तभी ये फाइनल रिजल्ट हमें ट्रू दिखाता है। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 10 है, कंडीशन है एक्स इज लेस देन 5। क्या एक्स मतलब 2 5 से छोटा है? तो हाँ है। ये एक्स मीन्स 2 बड़ा है वाई से 10 से? क्या 2 10 से बड़ा है? नहीं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू आ रहा है और ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। तो जब इस तरह कंडीशन होती है तो फाइनल हमारा आउटपुट फॉल्स ही आएगा, और
और में कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आता है। एक्स टू इज लेस देन फाइव, क्या दो पांच से कम है? हाँ है। एक्स बड़ा है वाई से, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स मीन्स टू इज ग्रेटर देन वाई, नो इट इज नॉट ग्रेटर देन वाई। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, फिर भी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा क्योंकि एक स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। अब हम आते हैं नॉट की ओर। नॉट जस्ट इट इज अ रिजर्व ऑफ अवर फाइनल रिजल्ट, हमारा जो भी आउटपुट होगा जो भी आउटपुट आता है रिजल्ट आता है उसका अपोजिट होता है नॉट। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, टू इज ग्रेटर देन फाइव, नो फॉल्स हो गया इसका रिजल्ट, इट मीन्स इसका अपोजिट ट्रू रिजल्ट आएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर को, एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइव दी गई है, कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, एक्स बड़ा है तीन से, हाँ है, एंड एक्स इज लेस देन टेन, क्या एक्स छोटा है टेन से, हाँ है। इस तरीके से यह सिचुएशन हमें हमें बताती है कि स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसका आउटपुट भी ट्रू आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरा और की तरफ। एक्स की वैल्यू यहां पर भी पांच दी गई है, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, यस, एक्स इज लेस देन फोर, क्या एक्स की वैल्यू फोर से कम है? नहीं। यहाँ पर यह स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, फिर भी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा क्योंकि और एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू होता है तो आउटपुट ट्रू दिखाता है। नॉट की तरफ पढ़ते हैं, कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, यस इट इज, फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, एक्स इज लेस देन टेन, क्या एक्स की वैल्यू दस से कम है? एक्स मीन्स फाइव इज लेस देन टेन, क्या फाइव टेन से कम है? हाँ है। यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, इट मीन्स फाइनल हमारा आउटपुट ट्रू होता है, तो इसका अपोजिट मीन्स फॉल्स रिजल्ट आएगा। आशा है आप इन स्टेटमेंट्स के जरिए, इन एग्जांपल्स के जरिए समझ गए होंगे एंड और नॉट का ऑपरेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग के कुछ तथ्यों को समझते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो डेटा वेरिएबल्स का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस डेटा का प्रकार क्या होना चाहिए, हम किस तरह का डेटा अपनी प्रोग्रामिंग के लिए यूज करें, उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। यह डेटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक हो सकता है, बुलियन हो सकता है। न्यूमेरिक मीन्स नंबर टाइप का, और नॉन न्यूमेरिक टाइप जो नंबर ना हो। बुलियन मीन्स ट्रू या फॉल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप डेटा एसटीआर नॉन न्यूमेरिक डेटा के लिए यूज होता है। न्यूमेरिक टाइप के लिए इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता है, फ्लोट, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ऐसा नंबर जिसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी हो डेसिमल पार्ट भी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों तरह के नंबर हो सकते हैं। नए तरह का डेटा टाइप पाइथन में यूज किया गया है जो कि लिस्ट, टपल, रेंज, इनको हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सेपरेटली हम लिस्ट, टपल और रेंज को थोरोली आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डिक्शनरी भी एक मैपिंग टाइप डेटा है जिसमें की और एलिमेंट्स का यूज होता है, उसे भी हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में इनको हम पढ़ेंगे, कैसे डिक्शनरी बनाई जाती है, कैसे एक्सेस की जाती है, हम कैसे असाइन करते हैं वैल्यू कीज को, ये सभी चीजें हम देखेंगे। अगला डेटा टाइप सेट टाइप है। सेट टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि अनऑर्डर्ड डेटा प्रोवाइड करता है, इटरेटिव डेटा प्रोवाइड करता है और म्यूटेबल होता है यह, जबकि फ्रोजन सेट जो होता है वो भी इटरेबल होता है लेकिन म्यूटेबल नहीं होता, इम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बुलियन आप सभी परिचित हैं या सर्नो से। इसके आगे बाइट्स, बाइनरी टाइप डेटा भी आप बना सकते हैं, साइन कर सकते हैं। डिटेल में हम देखते हैं इन डेटा टाइप्स को। इंटीजर यह ऐसा डेटा टाइप होता है जिसको हम
सिंपली उसकी वैल्यू लिख देने बस से असाइन हो जाता है. सिंपली असाइन एन इंटीजर वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, नो नीड टू राइट आई एन टी. अगर आप आई एन टी नहीं भी लिखेंगे तो यह अपने आप ही इंटीजर डेटा टाइप में गिना जाता है, इंटीजर डेटा टाइप माना जाता है. आई इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आई एक इंटीजर डेटा टाइप हो गया. इसी प्रकार से आई के पहले भी मैंने डेटा टाइप नहीं लिखा है, 10.234 लिख दिया तो इसका मतलब है यह फ्लोट डेटा टाइप हो गया. इसी प्रकार से स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाने के लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल के आगे राइट साइड में हम वैल्यू लिख देते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही वेरिएबल का डेटा टाइप समझा जाता है. आई इक्वल टू मैंने अपना नाम लिखा है तो यह एक टेक्स्ट वेरिएबल टेक्स्ट वैल्यू है तो इसका वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वह ऑटोमेटिक ही स्ट्रिंग हो जाता है. हम आगे बढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट का बेहद ही जरूरी रोल होता है, जरूरी होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि हमेशा सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती है. हमें प्रोग्रामिंग में बहुत सारी कंडीशंस रखने के लिए, प्रोग्रामिंग को फ्लेक्सिबल प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट की अति आवश्यकता होती है. कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज ब्रांचिंग के लिए किया जाता है जब किसी प्रोग्रामिंग में हम एक से अधिक कंडीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं या ऐसी कंडीशन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जो ट्रू हो, तो उस सिचुएशंस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. सबसे पहला है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट सिलेक्शन ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसके लिए हम इफ का जनरली यूज करते हैं. जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने, एग्जांपल है ए इक्वल टू 33 बी इक्वल टू 200. इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से बड़ा है तो हमें मैसेज प्रिंट करना है B इज ग्रेटर देन A, अदरवाइज हमें कोई मैसेज प्रिंट नहीं करना, कुछ भी आउटपुट नहीं देना है. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा. B मीन्स 200 बड़ा है A से, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे मैसेज आना स्वाभाविक है B इज ग्रेटर देन A. आगे बढ़ते हैं, नया स्टेटमेंट है जो पाइथन में आप देखेंगे, एलिफ. एलिफ जो होता है वह मोर देन वन कंडीशंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए या बहुत सारी कंडीशंस लगाने के लिए एलिफ यूज किया जाता है. इसमें हम यह बताते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या रन करना है, कंडीशन अगर फॉल्स है तब कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा इंस्ट्रक्शन रन करना है, और अगर सभी कंडीशंस हमारी फॉल्स है तब एल्स की कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना है. इस तरह से हम लॉजिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग या हमारी जो भी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लॉजिक लगा सकते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है इफ का, एलिफ का, ए इक्वल टू 200 बी इक्वल टू 33. बी बड़ा है ए से, क्या 33 इज ग्रेटर देन ए? यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 33 इज नॉट ग्रेटर देन ए, तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसमें आपके पास दिया हुआ एलिफ ए डबल इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर है? तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं रन होगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, कंपेरिजन ऑपरेटर जैसा कि आपको हम बता चुके हैं पहले ही. तो इस सिचुएशन में हमारे पास बचता है एल्स, ए इज ग्रेटर देन बी, तो इस स्टेटमेंट को रन होना चाहिए. कंडीशनल स्टेटमेंट में हम बहुत सारी कंडीशंस के की हेल्प से प्रोग्रामिंग करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं. इसके अलावा कई बार प्रोग्रामिंग में ये सिचुएशन आती है कि हमें एक ही स्टेटमेंट को कई बार एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है. इसके लिए हम लूप का यूज करते हैं. पाइथन में दो प्रकार के लूप का हम यूज करेंगे, वाइल और फॉर. इटरेटिव कंडीशंस के लिए लूप्स का यूज होता है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती तब तक लूप चलता है या आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है. जैसे ही कंडीशन अनसेटिस्फाई होती या फॉल्स हो जाती है तो लूप से हम बाहर आ जाते हैं या लूप आउटपुट देना बंद कर देता है,
जब भी कंडीशन फॉल्स होती है। एक एग्जाम्पल को देखेंगे हम, आई इक्वल टू वन वाइल, जब तक आई 6 से कम है तब तक रन करना, 6 से कम इसका मतलब 5 तक हुआ। प्रिंट आई, आई को प्रिंट करना है और उसको एक एक बढ़ाते रहना है। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट है, सबसे पहले आई 1 है तो 1 प्रिंट हुआ, अभी ये 6 से कम है तो 2 हुआ, फिर ये 6 नेक्स्ट स्टेप एक बढ़ा दिया इन्होंने, ये वैल्यू जो है इसकी 2 हो गई, 2 को चेक किया गया, 2 इज लेस देन 6, यस इट इज लेस देन 6, प्रिंट हो गया। फिर इसका इंक्रीमेंट हुआ, 3 पे आया, इसी तरह से प्रिंट होता जाता है। इंक्रीमेंट होने के बाद सिचुएशंस कंडीशन आगे बढ़ती जाती है, जैसे ही इसकी वैल्यू 5 पे आती, 5 इज लेस देन 6 होता है, 5 प्रिंट करने के बाद ये फिर से वाइल के पास सिचुएशन जाती है, कंडीशन जाती है, 5 प्रिंट होता है, 5 की वैल्यू 6 हो जाती है और 6 जो कि 5 से 6 यहाँ पे चेक किया जाता है, 6 इज लेस देन 6, नो, तो कंडीशन हो जाती फॉल्स, इसलिए 6 प्रिंट नहीं होता, 5 तक ही, 5 तक ही प्रिंट होकर यह लूप टर्मिनेट हो जाता है। हम आगे चलते हैं फॉर लूप को इसी प्रकार से समझते हैं। फॉर लूप का उपयोग पाइथन में लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, लिस्ट दी हुई है फ्रूट्स, इस लिस्ट में जो फ्रूट की लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी, फॉर लूप चला है। फॉर लूप मीन्स इटरेटिव लूप होता है, तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है। एक्स इन फ्रूट, एक्स इन फ्रूट लिखा मतलब एक्स किस पर चलेगा, फ्रूट पर, तो पहले एप्पल है, फिर बनाना है, फिर चेरी है, तीन चीजों के लिए, तीन फ्रूट्स के लिए लूप चलेगा। प्रिंट एक्स मीन्स एक्स को प्रिंट करना है, एक्स किस पर चल रहा है, फ्रूट पर, तो सबसे पहले एप्पल, फिर बनाना और चेरी, इस तरह से इसका आउटपुट आ जाएगा। इसके अलावा हम फॉर लूप को किसी स्ट्रिंग पर भी, सिंगल स्ट्रिंग पर भी चला सकते हैं। जैसे यहां पर फॉर एक्स इन बनाना, प्रिंट एक्स, तो यहां पर ये जीरो से लेकर यहां जितने भी कैरेक्टर्स दिए हैं वहां तक लूप अंत तक चलेगा। यहाँ पे सेपरेट सेपरेट प्रिंट किया गया है, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिंग पर यहाँ पर लूप चला है। आगे बढ़ते हैं फॉर लूप के जो एग्जांपल्स है उसमें के बाद हम देखते हैं कुछ और लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, बीच बीच में यूज होते रहते हैं। रेंज, ब्रेक, कंटिन्यू। रेंज एक पर्टिकुलर संख्या तक लूप चलाने के लिए यूज होता है। सीक्वेंस जो नंबर का सीक्वेंस है उसको एक पर्टिकुलर सीमा तक चलाने के लिए यूज होता है, बट इसकी स्टार्टिंग जीरो से होती है बाय डिफॉल्ट, और जीरो से जो भी आप नंबर देते हैं वो लास्ट नंबर तक यह एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास रेंज जो भी दी है तो बाय डिफॉल्ट उससे एक कम ही नंबर हमारे पास आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एक्स इन रेंज 3, इट मीन तीन एलिमेंट्स 0, 1, 2, तीन एलिमेंट्स होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1, 2, 3, इसको यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा जब भी प्रोग्रामिंग करें। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है, रेंज आपने यहाँ पर देखा, रेंज स्टेटमेंट जीरो से स्टार्ट होगा, पर्टिकुलर लिमिट तक चलता है और जीरो से ही स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर ध्यान देना, और जो भी इसका लास्ट नंबर आपको दिया गया है उससे एक पहले क्लोज होता है। एलिमेंट्स आपको ध्यान देना उतने ही होने चाहिए जितना लिखा हुआ है। ब्रेक स्टेटमेंट, ये ब्रेक स्टेटमेंट फोर्सली किसी लूप को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, यहां पर फॉर एक्स इन फ्रूट
बिल्कुल, पहले वाला एग्जाम्पल लिया है, एक्स इन फ्रूट मतलब एप्पल, बनाना और चेरी पर चलेगा, प्रिंट एक्स इन्हीं को प्रिंट करना है, लेकिन यह बीच में यहाँ पे कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन? ये प्रिंट, इन्होंने पहला प्रिंट किया एप्पल, उसके बाद इनको कंडीशन मिल गई। क्या कंडीशन मिल गई? इफ एक्स इज इक्वल टू बनाना, अगर एक्स की वैल्यू बनाना के हो जाती है, मतलब कंपाइलर ने जैसे ही कंपाइल किया एप्पल को और एप्पल को प्रिंट भी किया गया, उसके बाद सिचुएशन आ गई कि एक्स की वैल्यू क्या बनाना के बराबर है, या एक्स इक्वल टू बनाना है। अगर एक्स इक्वल टू बनाना है तो लूप को यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पर लूप नहीं जा पाएगा, चैरी तक हमारा लूप नहीं जा पाएगा। बनाना के बराबर, बनाना यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो बनाना तक हमारा, बनाना के बाद चेरी तक हमारा लूप नहीं जा पाता। तो फोर्सली किसी लूप को स्टॉप करने के लिए आप ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके विपरीत कंटिन्यू जो होता है वो करंट इटरेशन, किसी भी करंट इटरेशन को स्टॉप करके नेक्स्ट इटरेशन के साथ कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू का इस्तेमाल होता है। जो भी हमारा लूप चल रहा है उसको स्टॉप कर दीजिए, आगे के जो भी एलिमेंट है उनको एग्जीक्यूट करना होता है ब्रेक थ्रू। जैसे आप एग्जांपल दिया फ्रूट में एप्पल, बनाना, चेरी, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, अगेन ये चलेगा एप्पल, बनाना और चेरी के लिए। कंडीशन यहाँ पे दी हुई है एक्स इन फ्रूट, उन्होंने पहले एप्पल प्रिंट किया, उसके बाद कंडीशन आ गई अगर एक्स बनाना के इक्वल है तब नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही कंटिन्यू इनको मिला तो इन्होंने बनाना को स्किप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चेरी को प्रिंट कर दिया, एप्पल, एप्पल के बाद चेरी। इन सभी प्रोग्राम्स को आपको सिस्टम पर करके देखना है और मुझे मैसेज करना है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कर सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी यह वीडियो अपलोडेड रहेगा। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।